बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख लेते हैं हमें अल्ट्रेशन ऑफ द ट्रंक। इसमें हमारे पास दो पोजीशन है, स्क्रू लेग स्टूप स्टैंडिंग और स्टूप स्टैंडिंग। लेग्स में देखो आपका पूरा बॉडी जो है फॉरवर्ड झुका हुआ है ना, हम लेग स्टूप स्टैंडिंग पढ़ लेते हैं। लेग स्टूप स्टैंडिंग में क्या, हिप आर फ्लैक्स, हिप जो होंगी फ्लैक्स होंगी, ट्रंक हिप आर फ्लैक्स द ट्रंक, हेड आर्म आर रिलैक्स सो दैट दे हैंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, बैलेंस इज मेंटेन बाई द स्लाइट प्लांटर फ्लेक्शन एट द एंकल जॉइंट काजिंग बैकवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ लेग काज कर रहा होगा। ओके, देन है मसल वर्क। इसमें क्या, वेरी लिटल मसल वर्क इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ एंकल जॉइंट वेयर द डॉर्सिफ्लेक्सर स्टेबलाइज द पोजीशन टू द जॉइंट ऑफ द जॉइंट वेल द इंट्रेंसिक ऑफ मसल जो है फुट के उनने ग्रिप करके रखा हुआ है फ्लोर को। ठीक है, दो मसल वर्क कर रहे हैं, डॉर्सिफ्लेक्सर्स कर रहे हैं और इंट्रेंसिक मसल ऑफ द फुट। इसके इफेक्ट और यूजेस क्या, द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन इज डेडिकेटेड बाई द टेंशन विच डिवेल्प इन हैमस्ट्रिंग में डिवेल्प हुई है और लंबर मसल्स में हुई है ना। द पोजिशन में बी यूज टू ट्रेन लोकल रिलैक्सेशन ऑफ अपर बॉडी एंड टू असिस्ट यूज रिस्पायरेशन। हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, या तो लोकल रिलैक्सेशन ऑफ अपर बॉडी के लिए दे रहे होते हैं या फिर हम असिस्ट कर रहे होते हैं ताकि एक्सपायरेशन को असिस्ट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन को असिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज प्रायर टू एक्सटेंशन एक्सरसाइज ऑफ हिप एंड स्पाइन के लिए कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर दोज हु अकर प्रोग्रेसिवली एज अनकर्लिंग ऑफ टू द अपराइट पोजिशन। ठीक है, दिस पोजिशन इज अनसुटेबल फॉर द वीक एल्डरली पेशेंट एज अ डिपेंडेंट पोजिशन फॉर द बॉडी है, काज द इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हेड में जा रहा होता है, ब्लड इंक्रीज हो रहा होता है विच मे बी फॉलोड बाई द डिप्लीशन ऑन द राइजिंग टू अपराइट पोजिशन एंड कंसिक्वेंट फॉलिंग ऑफ वेलनेस। When the knee is allowed to bend this position, इसमें क्या होगा, knee bend standing में tension on the hamstring and lumbar muscle क्या होगा, reduce हो जाती है। उससे क्या है, give the feeling of relaxation through the body में relaxation of feeling आ रही होती है। अच्छा, next हम देखते हैं stoop standing। ये वाली position है, ये same थोड़ी सी उसी तरह थी position, पर थोड़ी सी इसमें modification है। इसमें क्या है, hip और जाएँ नी जॉइंट हिप जॉइंट और फ्लैक्स वाल ट्रंक और हेड और आर्म रिमेन इन अलाइनमेंट ऑफ इंक्लाइन फॉरवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ लेग इज ग्रेटर देन द प्रीवियस पोजिशन से ज़्यादा होगी। यहाँ पे एंगल टू विच द ट्रंक इज इंक्लाइन इज यूजली अबाउट टू राइट एंगल बट डिपेंड ऑन द टेंशन ऑफ हैमस्ट्रिंग विच कंट्रोल द फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द पेल्विक व्हेन द नी इज स्ट्रेट। ठीक है, मसल वर्क इसमें क्या है, द मसल ऑफ द फुट वर्क एज अ प्रीवियस पोजिशन में वर्क करें, जैसे द एक्सटेंशन ऑफ द नी जो है में वर्क करें ताकि कॉन्ट्रैक्ट करें द टेंशन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स को और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर बैक मसल एंड एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर और एल्बो के ने क्या किया, मेंटेन करके ही रखी हुई है ये पोजिशन अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, द पोस्टीरियर नेक मसल ने क्या किया, कंट्रोल किया हुआ बाई द प्री वर्टिबल मसल्स को ताकि वो हेड को सपोर्ट करके रखें। ठीक है, आगे हमारे पास जो है द इफेक्ट और यूजेस क्या हैं, द स्ट्रांग वर्क ऑफ द नेक और बैक मसल्स जो स्ट्रेच करके रखा होता है उनने स्पाइन को विच अगर इन हॉरिजेंटल पोजीशन में जो हो रहे होते हैं ये हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि गुड पॉस्चर को ट्रेन करें, अपर बैक की गुड पॉस्चर को ट्रेन करने के लिए ये पोजीशन यूज़ करते हैं। फिक्सेशन इज इन फ्लेक्शन ऑफ लंबर स्पाइन लोकलाइज मूवमेंट टू द जॉइंट अबव द लेवल एंड इट इज़ वैल्यूएबल बट डिफिकल्ट पोजिशन टू होल्ड करेक्टली। बेस्टली डिफिकल्ट है कुछ पेशेंट के लिए ये पोजिशन। आगे हम देख लेते हैं अल्ट्रेशन ऑफ द लेग एंड ट्रंक। जब भी आर्म और लेग और ट्रंक को अल्टर करते हैं तो हमारे पास फॉल आउट स्टैंडिंग और लुंगी साइडवाइज है, ये दो पोजीशन हमारे पास बन रही हैं। फॉल आउट स्टैंडिंग में क्या है, वन लेग इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड टू द डिस्टेंस थ्री फुट लेंथ एंड द नी बेंड। थ्री फुट लेंथ है और नी बेंड है। बैक लेग जो होगी स्ट्रेट होगी, बॉडी एज एंड द बॉडी इंक्लाइन फॉरवर्ड इन अ लाइन। ठीक है, विद इट द मसल वर्क द एक्सटेंसर एंड द फुट मसल ऑफ द फॉरवर्ड लेग जो है वो वर्क करें स्ट्रांगली ताकि सपोर्ट करें बॉडी के वेट को, वाइल द एक्सटेंसर ऑफ द बैक जो है उनने कीप करके रखा हुआ ट्रंक को और लेग को इन अ स्ट्रेट पोजिशन में। डॉर्सिफ्लेक्सर ऑफ द फुट जो है वो वर्क कर रहा किया हुआ उनने ताकि हील को ग्राउंड पे रखे और हेड और ट्रंक के जो मसल हैं उन्होंने सेम वर्क किया हुआ जैसे स्टूप स्टैंडिंग में वर्क कर रहे हैं। बट एज देर इज़ अ डिग्री ऑफ रोटेशन एंड लैटरल टिल्टिंग ऑफ पेल्विक जो है अवे फ्रॉम द फॉरवर्ड लेग हो रही होती है और उसको बैलेंस को मेंटेन किया हुआ एक्शन ऑफ द ट्रंक के रोटेटर्स ने और लंबर मसल ऑफ द उसकी साइड के लंबर मसल जो है उन्होंने क्या किया हुआ उसको मेंटेन करके रखा हुआ बैलेंस को ताकि वो गिरे ना इंटीरियर या पेल्विक टिल्ट ना।
देना इसकी इफेक्ट और यूजेज द मसल पावर इन द कोऑर्डिनेशन रिक्वायर टू होल्ड द पोजिशन इज कंसिडरेबल एंड इट मे बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पाइनल कर्वेचर स्पाइनल कर्वेचर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. वेन सपोर्ट इज गिवन टू द आर्म और शोल्डर शोल्डर पे दी हुई है इट इज एक्सीलेंट पोजिशन इन विच यूटिलाइज द बॉडी वेट. ठीक है. आइदर ऑफ गिविंग द प्रेशर आर रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलो कहीं पर भी दे सकते हो. द फॉरवर्ड लेग मे बी बैलेंस आउटवर्ड फॉल आउट स्टैंडिंग एंड साइड वेज होगी तो फॉल आउट साइड स्टैंडिंग. और टो अगर टो ऑफ द लेग जो है मे बी स्ट्रेच सो दैट ऑनली रेस्ट ऑन द फ्लोर. अगर टो पे जो स्ट्रेट लेग है वो रेस्ट कर रही है तो उसको टो फॉल स्टैंडिंग कहेंगे ना. देन है लुंगी पोजिशन. ये लुंगी डांस की पोजिशन है. एज अ सिमिलर विद रिगार्ड्स टू द प्लेसिंग ऑफ लेग बट द बॉडी जो होगी रिमेन वर्टिकल होगी. इसमें क्या होगी लेग जो होगी वो में प्लेसिंग थोड़ी चेंज होगी लेकिन जो बॉडी जो होगी हमारे पास वर्टिकल पोजिशन में ही रहेगी. ठीक हो गया. ये लुंगी साइड वाइज. अच्छा ये हमारे पास किसकी अच्छा पोजिशन ड्राइव फ्रॉम नीलिंग. आज हम ये देख लेते हैं. एज इन द केस ऑफ स्टैंडिंग पोजिशन ऑनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिक मसल वर्क टू होल्ड द पोजिशन इज गिवन दैट द फंडामेंटल पोजिशन इज नॉट रिपीटेड. द पोजिशन ऑफ द आर्म आर द सेम इन स्टैंडिंग पोजिशन. नीली में आर्म की पोजिशन सेम होगी जो स्टैंडिंग में थी एंड मे एडिड टू द नीली पोजिशन एज रिक्वायर्ड. हमारे पास फर्स्ट पोजिशन जो है आती है वो है हमारे पास हाफ नीलिंग. हाफ नीलिंग वन ओवर टू नीलिंग की. ठीक है. वन नी सपोर्ट मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट एंड अदर नी इज बेंड एट अ राइट एंगल. ठीक है. आप ये देख रहे हो एक राइट एंगल में है और एक बेंड हुई भी है एट अ हिप और नी और एंकल सो दैट फुट इज सपोर्टेड ऑन द ग्रोड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे ठीक हो गया. इसमें हमारे पास मसल वर्क है एब्डक्टर ऑफ द हिप जॉइंट जो वर्क कर रहे हैं फॉर सपोर्टिंग लेग और लंबर साइड फ्लेक्सर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो वर्क कर रहे हैं ताकि वर्क टू बैलेंस द ट्रंक ताकि ट्रंक को बैलेंस करें. द एक्सटेंसर ऑफ द हिप और नी जो है वो वर्क कर रहे हैं ऑफ द फॉरवर्ड लेग वर्क कर रहे हैं स्लाइटली टू असिस्ट द बैलेंस. ठीक है. इसके इफेक्ट और यूजेज हम देख लेते हैं. दिस पोजिशन इज सिमिलर टू स्टेप स्टैंडिंग एंड मे बी मॉडिफाइड बाई द स्ट्रेचिंग द फॉरवर्ड लेग इन अ साइडवेज डायरेक्शन. लेग लेग स्ट्रेचिंग साइडवेज नीलिंग. द पेल्विक इज वेल फ्लेक्स्ड इन दिस पोजिशन वेल फिक्स्ड इन दिस पोजिशन फॉर द ट्रंक साइड बेंडिंग एंड रोटेशन एक्सरसाइजेस के लिए ये इंपॉर्टेंट ये सही है. वेन द ट्रंक इज मूव अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द अनसपोर्टेड लेग. जब भी हम अनसपोर्टेड लेग से अवे कर रहे होते हैं तो ये पोजिशन जो है हम अडाप्ट बनाते हैं ताकि ईजिली एक्सरसाइज परफॉर्म हो सके. ये वाली कि हमारे पास हाफ नील. ठीक है. अब हम देख लेते हैं आगे नील नील सीटिंग. नील सीटिंग में हमारे पास क्या है ये वाली पोजीशन है नील सीटिंग. जैसे नमाज पढ़ रहे थे जाते हैं नमाज में द नील एंड हिप फर्स्ट वाली पोजीशन जो है ये जो किसी को प्रपोज करने के लिए पोजीशन है. नेक्स्ट सेकंड जो है हमारे पास नील सीटिंग है जिसमें आप नमाज पढ़ रहे होते हो. द नी एंड द हिप आर फ्लेक्स सो दैट पेशेंट इज सिट ऑन द हील्स. द पेशेंट इज समटाइम यूज फॉर दिस पोजिशन इज यूज समटाइम यूज फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन बट मोस्टली पॉइंट कुछ पेशेंट कुछ लोगों में थोड़ी सी डिफिकल्टी अनकम्फर्टेबल होते हैं. ठीक है. ये हमारे पास नील स्टैंडिंग है नील सीटिंग है. ठीक है. आगे हमारे पास जो है एक और पोजिशन है प्रोन नीलिंग. ये वाली पोजिशन प्रोन नीलिंग में ट्रंक इज हॉरिजेंटल सपोर्टेड अंडर द शोल्डर बाई द आर्म्स एंड द पेल्विक बाई द थाइज मस्ट बी हेड वर्टिकल. द हेड हेल्ड इन द लाइन ऑफ ट्रंक. ये हेड हेल्ड किया हुआ इन द लाइन ऑफ ट्रंक में मसल वर्क मसल अराउंड द शोल्डर और हिप जॉइंट जो है वर्क कर रहे हैं ताकि स्टेबलाइज करें द सपोर्टिंग लिम्स को एट द राइट एंगल टू द ट्रंक जो राइट एंगल है ट्रंक के. ठीक है. और फ्लेक्चर ऑफ द लंबर स्पाइन प्रमेंट कर रहा है ताकि हॉलिंग ऑफ द जो बैक है वो ना हो सके. द एक्सटेंशन ऑफ द नेक और हेड जो है वो उनने कंट्रोल किया हुआ और कंट्रोल रखा हुआ है किसको ने प्रीवर्टिबल मसल ने ताकि हेड को एक अलाइनमेंट में रखा जाए. ठीक है. ये हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इसके इफेक्ट और यूजेज देख लेते हैं जल्दी जल्दी. दिस पोजिशन इज स्टेबल एंड कम्फर्टेबल एंड सूटेबल फॉर मेनी ट्रंक एंड हेड एक्सरसाइजेस एज स्पाइन इज रिलीव फ्रॉम द वेट ऑफ द हेड एंड शोल्डर देयरफॉर इट टेंड टू बी स्ट्रेंथन और एंड लेंथन. ठीक है. स्ट्रेट होगी लेंथन होगी. द पेल्विक जो है फ्री है एंटीरियर पोस्टीरियर से और लेटरल मूवमेंट से फिक्स हुआ फॉर द रोटेशन के लिए. बॉडी मे बी इंक्लाइंड फॉरवर्ड है डाउनवर्ड बाई द एब्डक्शन द शोल्डर एंड द बेंडिंग ऑफ द एल्बो तो उसको कहेंगे इंक्लाइंड प्रोन नीलिंग. ठीक है. ये वाली पोजिशन बन जाती है.
तो हमारे पास जो हम हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन है द बॉडी में भी इंक्लाइन, जब बॉडी इंक्लाइन पोजीशन में जाती है ना, जब ये वाली पोजीशन हमारे पास क्या है, इंक्लाइन प्रोनेटिंग, इसको हम देख लेते हैं। द बॉडी में भी इंक्लाइन फॉरवर्ड डाउनवर्ड बाई द एब्डक्शन ऑफ द शोल्डर एंड द बेंडिंग ऑफ द एल्बो, दिस एक्सपेंड, इसमें क्या होता है, दिस एक्सपेंड द थोरेसिक एंड लोकलाइज द लैटर फ्लेक्शन ऑफ द थोरेसिक रीजन ड्यूरिंग क्लैंप क्रॉलिंग एक्सरसाइजेज, उनके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली पोजीशन यूज़ करते हैं। ब्रीदिंग अगर किसी को डिफिकल्टी होती है तो ये वाली पोजीशन बनाते हैं ताकि मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सके थोरेक्स की और जो लैंड स्पेस है वो ओपन हो जाए। अल्टरनेटिवली द फोर आर्म मे बी रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हैंड टुगेदर या फिर एंड द हेड रेस्ट ऑन देम, हेड जो है इसकी आर्म के ऊपर हेड रेस्ट कर रहे हैं। और इन दी वे अ वीकेंड पेल्विक फ्लोर मसल, अगर पेल्विक के फ्लोर के मसल अगर वीकेंड हुए हुए हैं ना, पेल्विक फ्लोर मसल यहाँ पे, तो उनमें से जो वेट है वो रिलीव हुआ हुआ है ऑफ द विजरा ऑफ द यूट्रस बाई असिस्टेड ग्रेविटी इन टू नॉर्मल पोजिशन, तो उनने क्या किया, रिलीव हुआ हुआ है वो डाउनवर्ड उनका प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे जो पेल्विक वाली एरिया है वहाँ पे उसका प्रेशर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा ये नेक्स्ट है हमारे, ये हमने ये फोर पोजिशन अभी देखी है, हाफ नीलिंग, नील सीटिंग, इंक्लाइन प्रोन नीलिंग और प्रोन नीलिंग, ये हमने फोर पोजिशन देखी है। अब हम देख लेते हैं पोजिशन ड्राइव फ्रॉम सीटिंग, सीटिंग से कौन कौन सी पोजिशन ड्राइव की हुई है। सबसे पहले हमारे पास राइट सीटिंग, यानी जैसे आप हॉर्स पे बैठ रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, ये वाली पोजिशन है। देन है हमारे पास साइड सीटिंग, एक साइड पे बैठना, फिर ये क्रोक सीटिंग, फिर स्टूप सीटिंग, ये लॉन्ग सीटिंग है, और ये फॉल आउट सीटिंग, जैसे फॉल आउट स्टैंडिंग था इस तरह फॉल आउट सीटिंग है। अच्छा इसमें हम वन बाई वन देख लेते हैं पोजिशन ड्राइव फ्रॉम सीटिंग में क्या है हमारे पास। सबसे पहले ये जो था इसमें, एज इन द केस ऑफ नीलिंग पोजिशन ऑनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मसल वर्क विच डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द फंडामेंटल पोजिशन इज गिवन, द पोजिशन ऑफ आर्म इज द सेम, इसमें पोजिशन ऑफ आर्म जो कि सेम होगी एज कम जो जिस तरह स्टैंडिंग में पोजिशन में थी, और पोजिशन ऑफ लेग की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइड सीटिंग की बात की जाए, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फंडामेंटल पोजिशन में सेम सिमिलर है, बट इसमें क्या है, लेग्स जो होंगी आर अबडक्टेड होंगी सो दैट फीट आर अप टू द 2 feet length apart होंगी, इन दिस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस पोजिशन स्पेशली इफ द फीट पोजेस टू द प्रेस टू द फ्लोर, फ्लोर के साथ प्रेस हुए। आइडियल सीटिंग जो है राइट सीटिंग है, द पेशेंट सीट अस्ट्राइड सूटेबल अपरेटस सेट एज जिमनास्टिक फॉर्म पे रखा हुआ है, विच में भी ग्रैप्स बिटवीन द नीज बाई द एब्डक्टर मसल ऑफ द हिप और मेकिंग वेरी स्टेडी पोजिशन फॉर द हेड एंड आर्म्स और ट्रंक एक्सरसाइज के लिए स्टेडी पोजिशन बना रहा होता है, जिससे आप इजीली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। वेन द पोजिशन इज टेकन ऑन द हाई प्लेंथ, अगर हाई प्लेंथ पे ली हुई है तो उसको हाई राइट स्टैंडिंग कहेंगे, द थाइज मे बी स्पॉटेड ऑन द प्लेंथ टू अफोर्ड द एडिशनल रिलैक्सेशन, इन विच केस नो मसल वर्क इज रिक्वायर्ड इन द लेग्स। इसमें जो आगे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास था राइट स्ट्राइड सीटिंग, अब हम देख लेते हैं क्रॉक सीटिंग। वेन जब भी आप फ्लोर पे बैठे हुए हो तो नी बेंड होगी सो दैट फीट टूगेदर होंगे, देखो आपके फीट जो है टूगेदर हैं और फ्लैट ऑन द फ्लोर है, और नी जो मे बी जो होगी क्या होगी, फ्लैक्स होगी, ये आपकी नी जो है फ्लैक्स हुई हुई है, यहाँ पे आपकी नी और जो आपके हिप पे हैं वो क्या है, बेंड हुए में नी बेंड हैं और नी जो फ्लैक्स हैं। अच्छा इसमें हमारे पास मसल वर्क क्या है इस पोजीशन में, द फ्लेक्सर ऑफ द ऑफ टिल्ट हिप वर्क स्ट्रांगली टू प्रिवेंट द एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ द लंबर रीजन, ठीक है, टू सपोर्ट द थाई ताकि थाई को सपोर्ट मिले, द फ्लेक्सर ऑफ नीक और प्लांटर फ्लेक्स नी और प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल जो है वो वर्क करें, ताकि वर्क करें ताकि एडिशनल फिक्सेशन ऑफ द लेग अफोर्ड कर सकें। इसमें क्या है, थ्री लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बैक, थ्री लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बैक मसल वर्क करें स्ट्रांगली ताकि मेंटेन किया जाए अपराइट पोजिशन को। फॉर द ट्रंक इसके इफेक्ट और यूजेस के, द पेल्विक इसमें फिक्स्ड हुआ है विद द डिक्रीज टिल्ट एंड द लंबर रीजन फ्लैक्स हुआ है, सो द मूवमेंट कैन बी लोकलाइज टू द अपर ट्रंक एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द काइफोलेडोसिस, जो अगर किसी को प्रॉब्लम है काइफोलेडोसिस हुआ है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये पोजिशन इफेक्टिव है। स्ट्रांग वर्क फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन होल्ड द पोजिशन इज द वैल्यू इन द ट्रेनिंग देयर एफिशिएंसी, ये हमारे पास था क्रोक सीटिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉन्ग सीटिंग, ये वाली लॉन्ग सीटिंग, दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस पोजिशन बट नीज आर एक्सटेंडेड सो दैट होल लेग इज सपोर्टेड, ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द नी जो है वर्क कर रहे हैं वर्क टू कॉन्ट्रैक्ट द इंक्रीज टेंशन इन द हैमस्ट्रिंग मसल, एक्सटेंशन ऑफ नी जो है हैमस्ट्रिंग मसल की टेंशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेन द लेग आर अपार्ट तो उसको कहेंगे स्ट्राइड लेग सीटिंग,
द टेंशन इज समवेट रिड्यूस हो जाएगी, बट पोजिशन इज डिफिकल्ट एंड अनसुटेबल होती है कुछ एडल्ट के लिए। अच्छा, आगे हमारे पास है क्रॉस सीटिंग। क्रॉस सीटिंग में हमारे पास कौन सी, ये जो हमारे पास देख रहे हो आप, ये हमारे पास क्रॉस सीटिंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ मॉडिफिकेशन कितनी होती है, इसमें एंकल आर क्रॉस हुए होते हैं एंड द हिप आर स्लाइटली अबडक्टेड है, लैटरल रोटेटेड है, सो दैट द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जो है प्रेस टू द फ्लोर हुआ है। टेंशन जो है हैमस्ट्रिंग से रिड्यूस हुई हुई है, बट द एबडक्टर ऑफ द हिप जो है वो स्ट्रेच हुए हैं, ठीक है। फॉर दिस रीज़न जो है कुछ पेशेंट के लिए ये अनकम्फर्टेबल है एडल्ट के लिए, बट कुछ जो चिल्ड्रंस के लिए हम सूटेबल होती है, क्योंकि हम उनके हेड की एक्सरसाइज, आर्म की, ट्रंक्स की एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, क्योंकि पेल्विक इसमें फिक्स है, स्टेबल हुआ हुआ ये वाली पोजीशन है, बट इसमें क्या है एंकल क्रॉस हुए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है साइड सीटिंग। साइड सीटिंग में हमारे पास क्या है, ये साइड सीटिंग है, इसमें द लेफ्ट साइड सीटिंग द लेफ्ट लेग रिमेन एज इन दी क्रॉस सीटिंग एंड दिस हिप सपोर्ट्स द मेन वेट ऑफ द ट्रंक। जो क्या वो जो हिप, ये हिप जो आपकी जिसमें मेन हिप ने आपका वेट जो है उठाया हुआ है, वाइल द राइट लेग जो होगी वो अबडक्टेड होगी, मेडली रोटेटेड होगी, सो दैट द लोअर लेग इज़ बेंड टू द साइड। पेल्विक इसमें लैटरली रोटेट होगा टू द लेफ्ट और लंबर साइड फ्लेक्सर ऑन द राइट साइड वर्क कर रहे होते हैं ताकि कीप रखें अपने जो लेग है, आपकी जो सॉरी आपकी जो ट्रंक है उसको स्ट्रेट करके रखें, अपराइट करके रखें। द पोजिशन इज यूज टू इंक्रीज द लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ द लंबर स्पाइन फॉर द फिक्सेशन इन द साइड बेंडर पोजिशन व्हेन द ट्रीटिंग द स्केलोसिस। स्केलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए ये वाली पोजिशन आप बना रहे होते हो, ठीक है। देन हमारे पास स्टूप सीटिंग। स्टूप सीटिंग में हमारे पास क्या है, स्टूप सीटिंग ये वाली पोजीशन है, दिस इज सिमिलर बट ईजियर एंड मोर सूटेबल पोजीशन है देन स्टूप स्टैंडिंग के, देयरफॉर इज वेरी यूजफुल फॉर द आर्म और अपर बैक एक्सरसाइज के लिए यूजफुल है, जब हल्डिंग ऑफ द लंबर स्पाइन को हम अवॉइड कर रहे होते तब, और द आर्म में बी फोल्डेड एंड अनसपोर्टेड ऑन द टेबल हो सकता है अगर लीन सीटिंग है, अलाउ टू बैक मसल ताकि रिलैक्स हो जाए। दिस अरेंजमेंट इज कन्वीनियंट फॉर द फॉर गिविंग बैक मसाज वेन प्रोन लाइंग इज इन प्रैक्टिसेबल, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को आप प्रोन लाइंग नहीं है तो फिर आप ये वाली पोजिशन में बैक मसाज के लिए इफेक्टिव है। देन हमारे पास फॉलो सीटिंग। फॉलो सीटिंग वही उसी तरह की पोजिशन है जैसी फॉलो स्टैंडिंग थी, दैट हिप और थाई इज फॉरवर्ड लेग इज सपोर्टेड अक्रॉस द स्टूल। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड हिप और थाई जो है आपकी स्टूल के ऊपर रखी हुई है, बैठे हुए आप स्टेबलाइज है, बैलेंस इज देयर फॉर ईजियर है, पेशेंट इज एबल टू कंसनट्रेट ऑन दिस मोमेंट विच में भी एडिट जो भी आप दे रहे हो तो उस पर कंसनट्रेट कर रहा होता है। ये हमारे पास थी ट्रंक की पोजिशन को अल्टर करने से बनती हैं जो वाली पोजिशन वो है। अच्छा, ये आपने देख ली हमारे पास जो है राइड सीटिंग, साइड सीटिंग, क्रॉक सीटिंग, स्टूप सीटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग और फॉलो आउट स्टैंडिंग, ये वाली पोजिशन आप हमने पढ़ ली। देन हम देख लेते हैं अब पोजिशन ड्राइव फ्रॉम लैंग। लैंग से कौन सी ड्राइव हुई है, एज इन द प्रीवियस केसेज ऑनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मसल वर्क विच डिफर फ्राम द फंडामेंटल पोजिशन इज गिवन। द पोजिशन ऑफ आर्म्स, पोजिशन ऑफ आर्म्स जो होगी इसमें दोज विच आर यूज इन द सेम इन द स्टैंडिंग पोजिशन, सेम होगी जो स्टैंडिंग पोजिशन में है। द मसल वर्क हाउएवर इज मॉडिफाइड यूजली टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल पोजिशन। आप देख रहे हो कि मसल वर्क थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, क्यों ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली पोजिशन हुई है, आप देख रहे हो कि वर्टिकल पोजिशन होती है स्टैंडिंग और ये हॉरिजॉन्टल पोजिशन है। अच्छा, ये हमारे पास इसमें कौन कौन सी पोजिशन है, सबसे पहले क्रॉक लाइन। क्रॉक सीटिंग में भी इसी तरह बेंडिंग थी और इसमें भी बेंडिंग है। हाफ लेंग में हाफ लेंग हुई हुई है, लेग प्रोन लेंग ये है, सिर्फ लेग्स जिसमें प्रोन हैं, ठीक है, प्रोन पोजीशन पे हैं, किसी स्पॉट पे हैं। यहाँ पे आपके क्या है, क्रॉक लेंग विद पेल्विक लिफ्ट, पेल्विक लिफ्ट हुआ हुआ है, प्रोन लेंग है ये और ये साइड लेंग है। ये हमारे पास फाइव सिक्स पोजिशन बनी हुई है इसकी, हम देख लेते हैं कि करके ड्राइव फॉर पोजिशन फ्रॉम, अगर लेग्स की पोजिशन को अल्टर किया तो हमारे पास क्या है, क्रॉक लेंग। क्रॉक लेंग हमारी ये वाली पोजिशन थी, फ्रॉम लेंग द हिप एंड नी आर बेंड सो दैट द फीट रेस्ट ऑन दी फ्लोर आर प्लंथ, प्लंथ पे रेस्ट किया हुआ है, प्रोवाइड द फीट इज फिक्स बाई द फ्रिक्शन, ठीक है। वेरी लिटल मसल वर्क रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम द एडक्टर्स एंड द मीडियल रोटेटर ऑफ जो हिप है वो थोड़े से वर्क कर रहे हैं और इतने नहीं कर रहे होते। टू प्रिवेंट द नी फ्रॉम फेलिंग, ताकि वो नी को फेलिंग अपार्ट से बचाएं। इफेक्ट और यूजेज इसके क्या हैं, द टेंशन इज रिमूव फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंटीरियर टू द हिप जॉइंट सो दैट द पेल्विक रोल बैकवर्ड और लंबर स्पाइन जो होगी रिलैक्स होगी ऑन द स्पोर्टिंग सर्फेस, जो स्पोर्टिंग सर्फेस है उसके ऊपर। एज द होल ट्रंक इज रिलैक्स होगी एंड स्पोर्ट हॉरिजॉन्टली
एंड द फिक्स बाई ओन वेट, अपने वेट से होगी। इट इज़ ईजियर इजी पोजिशन है एंड एक्सटेंसिवली यूज, ताकि जब हम ट्रेनिंग रिलैक्सेशन ट्रेनिंग और पॉस्चर ट्रेनिंग करा रहे होते हैं तो तब ये वाली पोजिशन बनाते हैं, जिससे सूदिंग इफेक्ट आ रहा होता है, पॉस्चर अलाइनमेंट हो रही होती है। अच्छा, देन हमारे पास क्रॉक लाइंग विद पेल्विक लिफ्ट, ये वाली पोजिशन, सेम पोजिशन फ्रॉम द प्रीवियस पोजिशन। पेल्विक इसमें क्या होगा, लिफ्ट होगा, सो दैट द ट्रंक रेस्ट ऑन द शोल्डर एंड ब्रॉट इनटू द लाइन विद द थाइस। ठीक है, फ्रेम पिल्लो जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं विद द सपोर्ट ऑफ बटक्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द हिप, ताकि जो जिन्होंने जो वर्क कर रहे होते हैं इस पोजिशन को होल्ड करने में, जो वर्क करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए पिलो रख देते हैं। ठीक है, इफेक्ट और यूजेज इसके क्या हैं, इफेक्ट और यूजेज, प्रीवियस प्रेशर ऑफ द विजरा ऑफ द पेल्विक फ्लोर जो होगी वो रिलीव हुआ हुआ ग्रेविटी से, ऑफ द ग्रेविटी एज द विजरा इज डायरेक्टेड बैकवर्ड होगी, अपवर्ड होंगे टूवर्ड द डायफ्राम। देखो यहाँ पे क्या होगा, विजरा जो है डाउनवर्ड हुए हैं। ठीक है, इस पोजिशन में इसकी बात करी ना, और क्योंकि ब्रीथिंग इसमें थोड़ी सी हेम्पर्ड होगी स्लाइटली। दिस पोजिशन यूजफुल होती है ड्यूरिंग द री एजुकेशन ऑफ द मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर, के मसल को री एजुकेट करने के लिए ये वाली पोजिशन है, इन केस ऑफ विजरोप्टोसिस या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद क्या है, पेल्विक फ्लोर की आप री एजुकेशन करवाते हो तो तब ये वाली पोजिशन जो है अफेक्टिव होती है। देन हमारे पास हाफ लाइंग, हाफ लाइंग में हमारे पास क्या है, ये वाली पोजिशन, हाफ लाइंग द ट्रंक इज सपोर्टेड इन द ओब्लिक पोजिशन बाय द इंक्लाइनेशन ऑफ द लॉन्ग एंड ऑफ द प्लेन बाय द अरेंजिंग ऑफ द पिलो वाइल द लेग आर सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी द ट्रंक इज इन एन अलाइनमेंट। ठीक है, टू अवॉइड द स्लम्पिंग, अगर स्लम्पिंग होगी तो रिस्पायरेशन में इम्पीडिंग होगी। ठीक है, इसके इफेक्ट और यूजेस क्या हो सकते हैं, द बॉडी इज रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजिशन है एंड सूटेबल होती है वीक और एल्डरली पेशेंट के लिए, क्योंकि ब्रीदिंग ईजियर होती है इनमें लाइंग पोजिशन के निस्बत। थोरेसिक इसमें क्या होगा, लेस फिक्स्ड होगा बाई द वेट ऑफ द ट्रंक। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है इजीली परफॉर्म कर रही होती हो इस फ्रॉम हाफ प्लेइंग में। इट इज़ मच यूज इन वार्ड एक्सरसाइजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द चेस्ट कंडीशन। आप रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए जो एक्सरसाइजेज देते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ये वाली पोजिशन बहुत इफेक्टिव कंफर्टेबल पोजिशन है। नी में भी बेंड कर सकते हो टू इंक्रीज द रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। तो आप क्या करते हो, इसको को हाफ क्रॉक लेइंग भी कहते हो, और लोअर लेग जो है लोअर लेग हैंग कर सकते हैं किसी भी प्लंथ पे, या फिर कोई फीट जो है आपका फ्लोर पे रेस्ट कर सकता है। तो ये वाली पोजीशन जो है कंफर्टेबल पोजीशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोन लाइंग, प्रोन लाइंग ये देख रहे हो आप, ये वाली द लेंग फेस डाउनवर्ड द बॉडी इज फुली सपोर्टेड एडिरियल टू द प्लंथ आर फ्लोर। द पोजीशन में भी एक्टिव आर रिलैक्स भी हो सकती है। अगर एक्टिव पोजीशन की बात की जाए, विच इज़ यूज इन अ स्टैटिक होल्डिंग पॉस्चर, स्टैटिक होल्डिंग पॉस्चर के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो ताकि ट्रेनिंग से पॉस्चर ट्रेनिंग से के लिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज से पहले यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हेड इसमें स्लाइटली राइज होगा फ्रॉम द सपोर्टिंग सरफेस से, और एंड शोल्डर आर ड्रॉन डाउन और बैकवर्ड होंगे, और हील जो होंगी टूगेदर होंगी एंड द टो जो होंगे स्ट्रेच होंगे। किसमें, हमने एक्टिव पोजिशन की बात की है, एक्टिव पोजिशन में इसमें मसल वर्क क्या है, प्री एंड पोस्ट जो है वर्टिब्रल नेक मसल जो है वर्क कर रहे हैं, ताकि मेंटेन करें पोजिशन ऑफ द हेड को। द रिट्रैक्टर एंड डिप्रेसर ऑफ द स्कैपुला वर्क कर रहे हैं टू ब्रेस द अपर बैक करें, और द लैटर रोटेटर ऑफ द हिप जो है उनने हील को कीप किया हुआ इकट्ठा। और अगर जब हम बात की जाए, इसमें हमने पहले बात की थी एक्टिव पोजिशन की, हमने अभी बात की थी एक्टिव पोजीशन की, अब हम बात करते हैं रिलैक्स पोजीशन की। जब रिलैक्सेशन अचीव, इसमें नो मसल इज वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स प्रोन लाइंग ना, इन दिस केस द हेड इज़ यूजली टर्न टू वन साइड एंड द फर्दर रिड्यूस द प्लेसिंग ऑफ पिलो अंडर द एब्डोमेन एंड अनदर अंडर द लोअर लेग, सो दैट द नी एंड हिप और नी जॉइंट जो है स्लाइटली फ्लेक्स होंगी, और फीट जो रेस्ट फ्री फ्रॉम द प्रेशर, फीट पे जो प्रेशर होगा वो नहीं होगा। इसके इफेक्ट और यूजेस क्या है, ब्रीथिंग इज समवेट रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि प्रेशर आ रहा है उसका आपका बॉडी का ऑन द चेस्ट पे और एब्डोमन पे। इस पोजीशन को थोड़ा सा अनसुटेबल और पोजीशन बना रहा होता है इसलिए, क्योंकि हर्ट की और रिस्पायरेटरी कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम्स हो रही होती है, इसलिए अनकंफर्टेबल उन लोगों के लिए पोजीशन होती है ये। द एक्टिव पोजीशन गिव अ फीलिंग ऑफ करेक्ट अलाइनमेंट, एक्टिव पोजीशनिंग जो है वो आपको फीलिंग ऑफ करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी दे रही होती है, विच यूज इन अपराइट पोजीशन एज द स्पाइन इज रिलीव फ्रॉम द वेट, और इट इज टेंड टू इलांगेट और ये क्या कर रही होती है, आपको इलांगेट और स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेचन देती है, स्ट्रेटनिंग हो रही होती है।
और द रिलैक्स वर्जन ऑफ द जो पोजीशन है वो सिर्फ कंफर्टेबल के लिए हम दे रहे होते हैं पीपल को, ज़्यादातर जो जो यंग हैं इसलिए मैं उनके लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोन लाइन में दो थी, एक था हमारे पास रिलैक्स प्रोन और दूसरी थी हमारे पास एक्टिव पोजीशन। एक्टिव में हमारे पास मसल वर्क यूज़ हो रहा है और रिलैक्स में मसल वर्क नहीं यूज़ हो रहा। देन है लेग प्रोन लाइन, ये वाली पोजीशन, दिस इज टेकन ऑन द हाई प्लैंक, द लेग बेंड बींग सॉरी द लेग बींग सपोर्टेड फ्रॉम द इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन टू द फीट एंड स्टेबलाइज बाई द स्ट्रैप्स। द बॉडी इज हेल्ड इन द लाइन विद द लेग्स एंड अनसपोर्टेड अवर द एंड ऑफ प्लैंक। दस अच्छा, यहाँ पे आपकी यहाँ पे टांगे बंधी हुई हैं, ठीक है। आप अगर आप पेशेंट को अनकम्फर्ट हुआ है तो आप यहाँ पे स्टूल दे देते हो। स्टूल जो है पोजीशन अंडर द ट्रंक टू ऑफर द सपोर्ट बाय द आर्म इन द रेस्टिंग पोजीशन के लिए आप क्या कर रहे थे, ये वाली स्टूल दे रहे होते हो ताकि ये पेशेंट को फील हो के वो रिलैक्स वो सपोर्ट हुआ है। इसमें मसल वर्क क्या है, इसमें हमारे पास जो मसल वर्क है द प्री वर्टिब्रल पोस्टीरियर नेक मसल एंड द एक्सटेंशन ऑफ द हिप और लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर बैक मसल वर्क कर रहे हैं स्ट्रांगली ताकि मेंटेन करें ट्रंक को अगेंस्ट द ग्रेविटी। एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर और एल्बो ने होल्ड करके रखा हुआ आर्म्स टू द साइड्स। देन है हमारे पास थर्ड पर जो है हमारे पास द एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन कंट्रोल द लंबर रीजन टू टेंड्स टू बिकम हेलोड, ताकि वो हेलोड हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट और यूजेज इसके क्या हैं, द यूज द मसल्स इज द मसल वर्क इज स्ट्रांग एंड कोरेक्टिव फॉर द पोजिशन ऑफ ट्रंक एंड स्ट्रांग आर्म्स हेड और बैक एक्सरसाइजेज कैन बी एडिड टू इंक्रीज दिस इफेक्ट, ठीक है। फॉर ग्रुप एक्सरसाइजेज के लिए क्या है, द थाइज ऑनली मे बी सपोर्टेड अक्रॉस द फॉर्म एंड द फीट बींग फिक्स्ड बींग द वॉल बार्स आर बाई लिविंग स्पोर्ट्स। केयर इसमें केयर मस्ट बी टेकन इन दिस केस टू सी दैट द फिक्सेशन ऑफ फीट इज फ्रेम दैट इज मेंटेन अंटिल द बॉडी इज सपोर्टेड इन द आर्म फॉर द रेस्टिंग पोजिशन। देन हमारे पास साइड लाइन, साइड लाइन ये वाली पोजीशन है जो हम लोग जो इस्लाम में भी बताया हुआ है कि साइड लाइन आप राइट साइड पे सोते हो जो है वो। डिटेल ऑफ दिस पोजीशन इज वेरी कंसिडरेबल अकॉर्डिंग टू द पर्पज विच इज यूज। पेशेंट रोल ऑन द साइड फ्रॉम द लैंग टू प्रोन लाइन एंड यूजिंग अंडर आर्म टू सपोर्ट द हेड। इट इज़ अनस्टेडी स्टेडी पोजिशन टू यूज सम ऑफ द ट्रंक एक्सरसाइज साइड बेंडिंग एक्सरसाइज के लिए। Alternatively, the shoulder may be stabilized by supporting the upper arm resting on the ground or the plank in the front. Legs जो होंगी free होंगी for the moment. When the under hip or knee जो होगी are fully flexed होंगी, the pelvic जो होगी relatively fixed होगा ना, so that movement of the flexion extension can be localized to the specific joint, जो hip joint वहीं पर रहेगी of the uppermost जो leg है उसी तक रहेगी। It is useful especially in sling exercise के लिए is useful है। Conversely, it is if the pelvic is stabilized by the resting the uppermost knee on the plank, the shoulder exercise for the side of the body can be performed, ठीक है। आइडियल पोजिशन है रिलैक्सेशन के लिए कुछ कुछ लोगों के लिए फॉर प्रोवाइडेड बाई द अडाप्टिंग इज प्रोवाइडेड बाई द अडाप्टिंग। थ्री पिलोज जो हैं इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, एक हेड पे रखते हो, एक अपरमोस्ट आर्म पे ताकि सपोर्ट करके रखे इसको, और चेस्ट को फ्री रखे ताकि रिस्पायरेशन को असिस्टेंस मिले, और थर्ड जो है सपोर्ट रख रहे होते हो अपर मोस्ट लेग को जो बेंड हुई है उसके नीचे, ठीक है। ये हमारे पास था साइड लाइन की। अब हम देख लेते हैं पोजीशन ड्राइव फ्रॉम हैंगिंग, हैंगिंग से क्या कौन कौन सी ड्राइव हुई हुई हमारे पास। हैंगिंग से जो है पोजीशन ड्राइव हुई है वो एक है फॉल आउट हैंगिंग सिर्फ, ठीक है। फॉल आउट हैंगिंग हम देख लेते हैं, ये वाली पोजीशन फॉल आउट द बॉडी इज सपोर्टेड ओब्लीकली पोजीशन बाय द आर्म विद ग्रैब्स हॉरिजॉन्टल बार बाय द फीट विल रेस्ट ऑन द फ्लोर एयर आर्म आर वर्टिकल सो दैट शोल्डर इज फेल डायरेक्टली बिलो द हैंड वाइल द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज इंक्लाइंड एंड स्ट्रेट। बॉडी जो होगी इंक्लाइंड होगी स्ट्रेट होगी, आपके आर्म्स ने ये पकड़ा है। अच्छा, मसल वर्क इसमें क्या, फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर जो है उनने ग्रैप्स करके रखा हुआ बार को, और बार को रिस्ट के एल्बो के और शोल्डर के मसल जो हैं वो वर्क कर रहे हैं ताकि रिड्यूस किया जाए टेंशन को इन जॉइंट्स पे से। उसके साथ हमारे पास रिट्रैक्टर ऑफ सॉरी इसके साथ हमारे पास उसके साथ हमारे पास रिट्रैक्टर ऑफ स्कैपुला जो है रिट्रैक्टर ऑफ स्कैपुला जो है वो वर्क कर रहे हैं टू रन द ट्रंक अपवर्ड बिटवीन द आर्म्स, और उसके साथ जो है
फ्लेक्सर ऑफ द एटलेंट ऑक्सीपिटल जॉइंट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन प्रोवेंट करके रखा हुआ ताकि हेड को बैकवर्ड ना जाने दें। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर बैक मसल ने सपोर्ट करके रखा हुआ ट्रंक को। एक्सटेंशन ऑफ द हिप ने ट्रंक की कोई अलाइनमेंट में रखा हुआ है। और प्लांटर फ्लेक्सर ने प्रेस करके रखा हुआ फीट को फ्लोर पे। इसके इफेक्ट और यूजेज के दिस पोजीशन इज रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रांग मसल वर्क ऑफ द बैक। बैक के मसल स्ट्रांग होंगे तब ये यूज़ कर रहे होते पोजीशन। स्पेशली स्कैपुलर रिट्रैक्टर विच वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड वेट ऑफ द बॉडी। जो जिन्होंने वेट को उठाया हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। देन हमारे पास अदर पोजीशन विच आर विद सम ऑफ द वेट इज टेकन ऑन द आर्म। कुछ पोजीशन जिसमें वेट आपकी जो है आर्म पे टेकन हुआ है, फुल बॉडी वेट जो है आर्म पे हुआ है। ये थ्री पोजीशन है, फॉल आउट हैंगिंग सॉरी प्रोन फॉलिंग एक है, क्रोच सिटिंग और साइड फॉलिंग। तीन पोजीशन है जिसमें आपका वेट जो है आर्म से टेकन हुआ है। इसमें हम देख लेते कौन कौन सा है। क्रोच सिटिंग में हमारे पास द हिप एंड नी आर फुली बेंडेड बेंड है, ये वाली ना। वाइल ट्रंक स्ट्रेट है, इंक्लाइन फॉरवर्ड है, टू अलाउ द हैंड टू रेस्ट ऑन द फ्लोर। वेट इज सपोर्टेड मेनली ऑन द टोज, द हील इज बीइंग टुगेदर एंड नी प्रेस अपार्ट। बैलेंस इज मेंटेन बाय द आर्म्स विच विद द शोल्डर विथ अपार्ट एंड वर्टिकल, और वर्टिकल होंगे ये वाले जहाँ पे। इसमें मसल वर्क क्या है आपके पास, सॉरी अच्छा इसमें हमारे पास मसल वर्क क्या है। मसल द इंट्रेंसिंग मसल ऑफ द फीट ग्रैप्स द फ्लोर। द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बैक मसल कीप द बैक स्ट्रेट। प्रीवर्टिबल पोस्टीरियर नेक मसल सपोर्ट द हेड। इफ़ द एडिशनल वेट इज टेकन ऑन द हैंड इन द स्ट्रेटस इंटीरियर, मसल जो है वर्क कर रहे हैं स्ट्रांगली ताकि स्कैपुला को रखें चेस्ट वाल के अगेंस्ट ताकि वो वर्क करें। और जो मसल अराउंड द शोल्डर जॉइंट हैं और एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जो हैं वो ब्रेस करके रखें आर्म को। इफेक्ट और यूजेज इसके क्या हैं हमारे पास। दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पोजिशन फॉर स्ट्रांग लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। इट इज स्टेडी एंड द मसल कंसर्न आर स्ट्रेच बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इट इज मस्ट यूज इन ट्रेनिंग द करेक्ट लैंडिंग फ्रॉम द हाई जंप। क्लियर। चिल्ड्रन जो होते हैं फाइंड इट इज ईजी एंड कम्फर्टेबल एंड रेडिली लर्न टू टेक द वेट ऑन दिस आर्म एंड इट इज़ अ वेरियस फॉर्म ऑफ क्रोच ऑफ एनी जंपिंग। ठीक है, ये हमारे पास था क्रोच सिटिंग जिसमें आपका बॉडी वेट जो है हैंड बोथ हैंड पे आ रहा था। आगे हमारे पास था प्रोन फॉलिंग। प्रोन फॉलिंग ये है, द लेग्स आर एक्सटेंडेड इन अ लाइन विद ट्रंक फ्रॉम द क्रोच पोजिशन सो दैट बॉडी इज सपोर्टेड ऑन द आर्म वाइल द विच इज वर्टिकल एंड ऑन द टोपी होगा। मसल वर्क एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जो है वो वर्क कर रहे हैं। ऑल द मसल ऑफ शोल्डर रीजन स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं ताकि सपोर्ट करके रखें वेट ऑफ द बॉडी को। वाइल स्ट्रेटस इंटीरियर मसल ने स्कैपुला को होल्ड करके रखा हुआ अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। द नेक एक्सटेंसर ने कंट्रोल बाय द प्रीवर्टिबल मसल ताकि हेड की पोजीशन को मेंटेन करके रखें अगेंस्ट द ग्रेविटी के। और फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन ने प्रिवेंट किया हुआ सैगिंग ऑफ द ट्रंक को। और एक्सटेंसर ऑफ द नी ने कीप करके रखा हुआ है उनको स्ट्रेटली ताकि वो स्ट्रेट रहें। और फीट इज फिक्स ऑन द डॉर्सिफ्लेक्सर पोजीशन में। लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द टो जो है वो वर्क कर रहे हैं एक्सीलेंट, और वो उन्हें एक्सीलेंट लेवरेज प्रोवाइड किया हुआ है ताकि वो ग्रैप करके रखें फ्लोर को। ठीक है, ये मसल वर्क हमारा जो है प्रोन फॉलिंग में हुआ है। देना इसके इफेक्ट और यूजेस क्या है। इसमें मेनी मसल वर्क स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेशन। इसमें द नेसेसरी कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट है। दिस पोजीशन इज देयरफॉर ऑनली सुटेबल फॉर दोज हुज आर्म आर स्ट्रांग इन द रिलेशन टू द बॉडी लेंथ एंड वेट। द बॉडी वेट जो है आपकी जो है इज टेकन थ्रू आप क्वार्टर टर्न टू द वेट सपोर्टेड टू ऑन द लैटरल बॉर्डर ऑफ द वन फुट। अगर आपका जो अच्छा यहाँ पे जो आपकी बात है यहाँ पे बात की हुई है, अगर आपका जो बॉडी वेट जो है साइड पे अगर आपकी बॉडी जो है यहाँ पे साइड फॉलो अप स्टैंडिंग की बात करी है, यहाँ पे आपकी यहाँ से जो है सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ से जो है आपकी द बॉडी इज टेकन थ्रू द क्वार्टर टर्न द वेट इज सपोर्टेड ऑन द लैटरल बॉर्डर ऑफ वन फीट। अगर आपकी ये वाली पोजीशन बनाई हुई है, आपका वेट जो है लैटरल बॉर्डर ऑफ द फीट पे आ रहा है या एक हैंड पे आ रहा है, तो इसको कहेंगे साइड फाइलिंग। इन दिस केस मसल जो होगी अंडर साइड ऑफ द बॉडी वर्क जो है स्ट्रांगली वर्क करें और लेकिन बैलेंस जो होगी इसमें डिफिकल्ट होता है। ये साइड फाइलिंग जो है हमारी इसमें आपकी जो लैटरल बॉर्डर ऑफ द फिट है उस पर आ रहा होता है वेट। ठीक है, ये हमारा था ड्राइव पोजिशंस थी।